नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एमसीएक श्योर गेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इंट्रामैक्स इंडिकेटर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंट्रामैक्स इंडिकेटर जो है वो इंट्राडे बेस्ड इंडिकेटर है। पहले भी हमने इंट्रामैक्स के रिलेटेड वीडियोज डाले हैं, लेकिन इस बार हम कुछ अपडेट्स आपके सामने लेकर आए हैं इंट्रामैक्स के इंडिकेटर में। तो आपको मैं अपडेट्स भी बताऊंगा कौन कौन से हैं, और ये भी बता देता हूं कि इंट्रामैक्स इंडिकेटर जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, जिसमें कि आप इंट्राडे बेस ट्रेडिंग कर सकते हैं। चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हों, चाहे आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हों, छोटे छोटे प्रॉफिट्स ले सकते हैं। लॉट साइज जो भी आप यूज़ करना चाहें यूज़ करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें लास्ट टाइम हमने आपको टेक प्रॉफिट इन परसेंटेज दिया था, लेकिन इस बार हम आपको टेक प्रॉफिट इन पॉइंट्स भी देंगे। और भी क्या क्या इसमें खास है, चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों अपनी स्क्रीन पर जो अभी आप देख पा रहे हैं, इस इंडिकेटर का नाम है इंट्रामैक्स इंडिकेटर, और इस इंडिकेटर में हम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के साथ इंट्राडे बेस ट्रेडिंग करते हैं और देखते हैं कितने ट्रेड्स में स्टॉप लॉस टारगेट्स निकलता है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इंट्रामैक्स के डैशबोर्ड में मिल जाती है। जो इसका डैशबोर्ड है, इसमें आप देख सकते हैं कि सिग्नल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। पहला तो इन्फॉर्मेशन इसमें यह है कि सेल का सिग्नल आया था आज, जिसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपको 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला है। उसके बाद टोटल ट्रेड्स आपको दिखा रहा है कि 69 टोटल ट्रेड्स में से प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जो हैं वो 47 हैं, और लॉस की ट्रेड जो हैं वो 22 हैं। पीएनएल की बात करें तो यहाँ पर जो पीएनएल आपको मिलता है वो है 1961.55 पॉइंट्स का, और 68% की एक्यूरेसी यहाँ पर आपको ये इंडिकेटर दोस्तों दे देता है। तो अब इसमें क्या क्या खास है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको आपको इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले मैं बताऊंगा, तो दोस्तों इंडिकेटर का जो डाउनलोड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से चार्ट में आपको यहाँ पर ब्राउज़र से डाउनलोड करना है और कैसे चार्ट में इम्प्लीमेंटेशन करना है। ये सब चीज़ें भी आप आराम से सीख सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का कुछ आपको एक स्क्रीन दिखाई देगा, जहाँ पर मीडियाफायर का एक लिंक होगा। यहाँ पर इस लिंक को क्लिक करना है आपने। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पर एक जिप फाइल आप देखेंगे, बॉटम पे आपको एक जिप फाइल यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस जिप फाइल को हमें ऊपर जाके शो करना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इसको हमें एक्सट्रैक्ट एज इंट्रामैक्स या एक्सट्रैक्ट टू इंट्रामैक्स कर देना है। उसके बाद इंट्रामैक्स का फोल्डर यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, जिसके अंदर ये इंडिकेटर आपको मिलेगा। अब इस इंडिकेटर को दोस्तों किस तरीके से MT4 के अंदर पेस्ट करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। उसके लिए आपको इस इंडिकेटर को कॉपी करना होगा। सबसे पहले यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे अपने MetaTrader सॉफ्टवेयर के अंदर, जहाँ पर हम इसे यहाँ पर फाइल में जाएंगे, ओपन डेटा फोल्डर में हमें जाना है। और जब हम ओपन डेटा फोल्डर का जी फोल्डर से नया विंडो ओपन हो जाएगा, इसमें हम MQL4 के अंदर जाएंगे और फिर इंडिकेटर्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हम चाहें तो अपने नाम से फोल्डर बना सकते हैं, ताकि हमें याद रहे कि कौन सा किस नाम से इंडिकेटर हमने डाला है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको डेमो नाम दे देता हूँ, डेमो इंट्रा, ये मैं इसको नाम दे देता हूँ फोल्डर को। अब मैंने इसको इस तरीके से नाम दे दिया। अब मैं इसको डबल क्लिक करके यहाँ पर इंडिकेटर को पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अगर मैं अभी आपको चीज़ बताता हूँ कि अगर हम अभी नेविगेटर विंडो में अपने जाएंगे अपने इंडिकेटर को ढूंढने के लिए, तो यहाँ पर अभी हमें ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमें यहाँ पर राइट क्लिक करके चार्ट को यहाँ पर नेविगेटर विंडो में हमें रिफ्रेश का बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही हम रिफ्रेश का बटन यहाँ पर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमें वो नज़र आने लगेगा। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर फोल्डर हमें नज़र आ रहा है। तो अब इस फोल्डर में हम जब क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर इंडिकेटर दिखाई देगा। तो इस तरीके से दोस्तों MT4 के अंदर इंडिकेटर लगाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको खास बताने वाला हूँ कि इसमें ये MetaTrader 4 का जो सॉफ्टवेयर है, इसको चलाने के लिए इसका एक ID और एक पासवर्ड जो होता है वो आपको ज़रूरी होता है, वो आपको चाहिए होगा। और उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स और हमारी वेबसाइट की डिटेल आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप हमें कॉल कर सकते हैं या फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको डेमो का पासवर्ड देने के लिए कॉल करेंगे, डेमो ID पासवर्ड देंगे, तभी ये यहाँ पर MT4 के अंदर ये इंडिकेटर आपका काम करेगा। अदरवाइज ये इंडिकेटर काम नहीं करेगा, ये सिर्फ MetaTrader 4 के अंदर काम करता है। तो अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इंट्रामैक्स को किस तरीके से लगाना है, एक्यूरेसी किस तरीके से सेट होती है, किस तरीके से हम इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। तो अभी जो मैंने डिफ़ॉल्ट आपको दिखाया है बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसके अलावा अगर मैं क्रूड ऑयल का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, जिसमें अभी एक सिग्नल आया है। कितने पे आया है सिग्नल, अभी वो प्राइस भी हम यहाँ पर शो कर देते हैं आपको।
ये 3029, 3029 का दोस्तों आज सिग्नल आया था बाय का, और अभी जो प्राइस चल रहा है वो 3044, यानी कि 14 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको यहाँ पर इस इंडिकेटर के अंदर मिल रहा है। और ये प्रॉफिट आप ले सकते हैं, अगर आप प्रॉफिट लेना चाहें बुक कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर हमने जो प्रॉफिट बुकिंग का सिस्टम रखा है उसमें 30 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट रखा हुआ है, जिसमें कि हर एक सिग्नल पे आपको 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिले और 30 पॉइंट के या 40 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस रखा है। क्योंकि कई बार आज की डेट में वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो 20-25 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस रखते हैं तो वो बहुत जल्दी हिट होने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे भी अगर क्रूड ऑयल की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 57 में से 36 सिग्नल्स में प्रॉफिट मिला और 20 सिग्नल्स में हमें लॉस मिला है। टोटल पीएनएल की बात करें तो ये एक महीने का प्रॉफिट है, 285 पॉइंट्स का जो प्रॉफिट है वो सिंगल लॉट का प्रॉफिट है। दोस्तों इंट्राडे आप ट्रेडिंग करते हैं, इंट्रामैक्स में आप 2-3-4 लॉट 5 लॉट के हिसाब से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप इस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि ये कितना प्रॉफिट रहने वाला है, कितना एक प्रॉफिटेबल इंडिकेटर रहने वाला है। ये था क्रूड ऑयल के बारे में। साथ ही में मैं निफ्टी में बता देता हूँ, निफ्टी में भी काफ़ी लोग ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी की ट्रेडिंग भी अच्छी खासी मतलब वॉल्यूम हो जाता है इसमें। लेकिन एक खास बात ये भी होती है निफ्टी में कि वॉलीटिलिटी जो लेवल है वो बहुत ही रैंडम होता है, कभी भी ट्रेंडी नहीं होता। जैसे कमोडिटी मार्केट और इक्विटी के अगर कंपैरिजन करें तो वहाँ हमें देखने को मिलता है कि कमोडिटी मार्केट में जो है वॉलीटिलिटी लेवल जो है वो ट्रेंडी होता है, मतलब एक ट्रेंड में मार्केट चलती है। लेकिन यहाँ पे इक्विटी मार्केट में इसका बिल्कुल रिवर्स होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी तो होता है कि वन साइडेड मार्केट होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखने को मिलेगा कि सुबह मार्केट अप खुली है, शाम को डाउन चली गई, फिर अप चली गई। तो ऐसी बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी जो होती है ना, उसमें जल्दी से सिग्नल मिलना और ज़्यादा देर तक सिग्नल में वेट करना, ये दोनों ही बहुत खतरनाक हो जाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम वॉलीटिलिटी लेवल को ध्यान में रखते हुए हम इसमें सिर्फ एक ही सिग्नल लेते हैं, हम एक से ज़्यादा सिग्नल नहीं लेते। जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको बुक कर लेते हैं और उसके बाद अगले दिन के लिए नए सिग्नल का वेट करते हैं। हम एक ही दिन में बार बार सिग्नल नहीं लेते। इसकी वजह से यहाँ पर जो एक्यूरेसी लेवल है वो 60% है। ट्रेड्स भी आप देखेंगे टोटल सिर्फ 15 ट्रेड आई हैं, और जिसमें से 9 प्रॉफिटेबल हैं, 5 लॉस की ट्रेड हैं, और अभी की ट्रेड्स में भी आपको आपको 75 पॉइंट्स के आसपास का लॉस चला। देखते हैं शाम तक क्या होता है, इसमें स्टॉप लॉस लगता है या टारगेट लगता है, वो तो बात की बात है। अब आगे मैं आपको और भी बता देता हूँ कि इसमें कोई भी सिग्नल आप लगा सकते हैं। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी की बात में जो आपको कर रहा था वो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े तो वहाँ पर कई बार हमें कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, स्टॉप लॉस वहाँ पर बड़ा रखना पड़ता है, टारगेट भी बड़ा रखना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है कि एक्यूरेसी लेवल तो आपका कम हो जाएगा लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जो हाई रिस्क ट्रेकर्स हैं, जो चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब है, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट आना चाहिए, बेशक से स्टॉप लॉस 2-4 ज़्यादा लग जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, एक्यूरेसी मेरे को अच्छी ना मिले तो भी कोई मतलब नहीं, तो वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अब मान लीजिए बैंक निफ्टी है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी, मैंने 100 पॉइंट का जो है टेक प्रॉफिट रखा है और 120 पॉइंट का मैंने यहाँ पर जो है लॉस स्टॉप लॉस रखा है। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, मान लीजिए मैं इसको 300 कर दूँ और इसको मैं कर दूँ 120 ही रखता हूँ, चलो इसको मैं 120 करता हूँ, तो अब जब मैं देखूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्यूरेसी लेवल जो वो बहुत बुरी तरह नीचे गिरा, एक्यूरेसी लेवल सीधा 68% से सीधा 44% पे आ गया। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की जहाँ बात करें, वहाँ पर पिछली बार हमें 1900 पॉइंट का प्रॉफिट मिला था लेकिन अब हमें 3400 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों। तो जो हाई रिस्क टेकर्स हैं, जो ये नहीं देखना चाहते कि भाई स्टॉप लॉस ज़्यादा लग रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो लोग इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी खास बात इंट्रामैक्स की या हमारे इंडिकेटर्स की जो हम आगे आगे लॉन्च कर रहे हैं उनकी ये है कि उन सब इंडिकेटर्स में आप बैक टेस्टिंग का रिजल्ट, बैक टेस्टिंग का रिपोर्ट कार्ड आप अपनी स्क्रीन पर एज अ डैशबोर्ड देख सकते हैं। डैशबोर्ड पर आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, कितने पॉइंट का प्रॉफिट है, क्या नहीं है क्या नहीं, जो भी है आप सब कुछ अपनी स्क्रीन के ऊपर आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस इंडिकेटर का डेमोस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से काम करता है अपनी मशीन के अंदर, तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पे जाइए, फॉर्म फिल करिए इंट्रामैक्स के लिए, और आपको हम लोग कॉल करेंगे और हम आपकी मशीन पे आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल करके देंगे। 2 दिन का डेमोस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, एक्यूरेसी भी आपको पता लग जाएगी। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरीके के प्रॉफिटेबल इंडिकेटर्स एंड टूल्स प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।